प्रेम कुमार सेंचुरी, हम लोग नेपाल भैरव से, मेरी वाइफ श्रीमती विष्णु, कान कम सुनाई दे रहा है इसी संगत ज़्यादा दिनों से, मतलब कई सालों से कान समस्या था, तो डॉक्टर को हम लोग चेक कराते थे शादी के बाद हमारे, तो कान को छेद है बोल के, तो एक बार हम लोग 2000 कितने में ऑपरेशन करा, 2002 में उसने, तो उसे कुछ ठीक हुआ सुनाई देने लग रहा था, तो उसके बाद लगभग कान तो बहता था, वो कान को खुजली तो होता था, तो अभी 3-4 साल बाद अचानक कान, एक कान बंद हो गया, दोनों ही कान बंद हो गया अचानक, कुछ ठंडी खाने की वजह से एकदम बंद हो गया, तो बंद होने से हम लोग को चिंता बढ़ी, तो हमने बुटन में भैरव में चेक कराया, तो उन्होंने कुछ दवा पानी दिया, बोले ये कान अब थोड़ा छेद हो चुका है, थोड़ा सूख रहा है, नशा सूख गया है, बोले तो हमने काठमांडू चेक करवाए, उसके बाद हम दिल्ली भी गए थे, दिल्ली अपना भी चेक करवाए, तो काठमांडू हमने तो कान सुनाई नदी के वजह से हम लोग ने वो उनको हेयरिंग लगा दिया था सुनने के लिए, दोनों कान में लगाने बोल रहे थे, लेकिन एक ही में लगाने पहले बोले हमने एक में लगाए, तो वही चीज़ हम लोग दिल्ली में गए थे, दिल्ली में भी क्या बोले कि अब उसके बदले उपाय कुछ नहीं है, आप ये लगा के सुनना है कान में, आपको उपलब्ध मतलब कोई दवाई नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, आपको इसी से काम चलाना है, यही है कि आप कान में पानी में डालिएगा, उस पर पीजिएगा, इससे अच्छा होगा, वो कहा हम लोग वापस आ गए, तो ऐसे चल रहा दिनचर्या चल ही रहा था, तो असल आपका जो एड हम लोग ने फेसबुक उन्हें देखिए हम लोग गहरे से अध्ययन उन्होंने किया, तो बोलने लगे कि ऐसा ऐसा वहाँ अहमदाबाद में, फिर हमने भी देखा, तो हमको भी तसली लगा कि वास्तव में आपको जो इंक्रूमिट था, वैसे प्रचार तो सबका आता है, प्रचार का जमाना ही प्रचार का है, मीडिया वाले का होता है, इसमें आपका जो है गुणस्तर, जो ट्रीटमेंट करने का जो आपका तरीका, जिस तरह से आपने दिए ऑपरेट किए थे, उससे हमको भी कुछ विश्वास लगा, वैसे हम ऐसी बातों को नहीं रखते हैं, हम सामाजिक अभियंता भी हैं, तो हमको लगा, फिर अमर भट्ट के लोग भी फ़ोन किया था, छोटा भट्ट ने आपसे बात किया, तो वो जो अभी आया लड़का वो नजर तक आने वाला, उसने भी बहुत प्रेशर के तहत चले चले, तो हम आने के लिए एक महीने पहले आने वाले थे, समय नहीं मिला आए, तो आज आके हमको बहुत अच्छा क्या लगा कि हमारी पत्नी थी वहाँ सुन रही है, अभी ये तो कोई वो भी नहीं है, मजाक भी नहीं है, एकदम यथार्थ है कि जिस हिसाब में वो आए थे उनको बोलने में तकलीफ था, घर में हम लोग बहुत परेशान हो, जब वो नहीं लगा देते बोलने परेशान हो जाते हम लोग, बार बार चिच्चा चिल्लाना पड़ता था, तो अभी ठीक सुनाई दे रहा है, जो आपने जो जिस किसी से दवा किए हैं, जिस किसी से आपने कराया, ये अच्छा रहा है, और आपका ये जो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इससे आपको, इससे और आपका उन्नति हो, जनता जो जो कान से सुने कम जनता जनता अधिक से अधिक लाभ उठाएँ, ये आपका महानता भी है, आपकी धर्म भी है, आपने जो किया इसलिए मैं खुशी हूँ, मैं जो अपने कान न सुने कान को कान नसुनेर परेशान हुनुहुन्छ सबै, यहाँ विश्वास गरेर आउनु होला। हामीहरू आउँदाखेरि मैले त 4-5 एक हप्ता अगाडि म टिकट काटिसकेको थिएँ, म दाजुसँग भनेको थिएँ, कतिपय हाम्रो दाजुभाइ कोही कोही त्यस्तो समस्यामा ग्रस्त छन्, मेरो आफ्नै घर परिवारभित्र पनि भाइ बुहारी छन्, र भावनामा के भन्दा ठिक छ, एकजना आज म आउनुभन्दा 2 दिन अगाडि एकजना नजिक मेरो ग्राहक हुनुहुन्छ साथी हुन्छ, उहाँको कानले बहुत परेशान हुन्छ, हियरिङ लाउँ नि अलिक सुरेन्स कम भयो त उहाँले, मैले म जाँदैछु अहमदाबाद, त्यहाँ राम्रो ट्रिटमेन्ट मैले देखेँ, मलाई विश्वास लागेर म जान लाग्छु, म ठिक भयो भने म तपाईँलाई रेस्ट तपाईँ कुन जानु ठिक छ, तपाईँ आउनु ट्रिटमेन्ट म जान्छु भने अलिक भनिरहनु छ, र 2-3 जना अरू भाइहरू हुन्छ कि, यो प्रचार भन्न पनि दबाईले मान्छेलाई राम्रो हुन्छ भने त्यसलाई चाहिँ प्रचार भाइ भन्न मिल्दैन, बिना अपरेसन बिना के 3 घन्टाको समयमा ठिक भइरहेको हुनाले मैले नेपाली दाजुभाइहरूलाई पनि त्यस्तै छ भने, म त पहिला पनि दाजुभाइको फेसबुकमा त कमेन्टहरू खुब आइरहेछ, त मै आफै भएको हुनाले देखेको हुनाले भर्खरै त आफूलाई राम्रो लागेछ, म डक्टर साहबलाई एकदम धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, उहाँले जनताको सेवा गर्नुपर्छ, यो एउटा सेवा कार्यक्रम हो, धर्म पनि हो, धन्यवाद छ यहाँ।